सावित्री की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे दिया चाय। दिया चाय। नमस्कार, सावित्री रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल ये जो दीपावली के दिए आते हैं, कुल्हड़ वाली है, आप समझ लीजिए चाय, बहुत मशहूर सौंधी चाय। तो उसके लिए मैंने दीपावली के चार दिए लिए, इनको साफ कर लिया है और अब हम देखिए इन्हें रखते हैं। जिस तरह से ये चाय फेमस हो रही है, वायरल हो रही है, मैं सेम आपको उसी तरह से दिखाऊंगी। हमने ये सौंफ ली है और सौंफ डाल दी है और इसमें हम डालेंगे चीनी। चार दो दिए जो भी आपके पास हो, और जितनी आपको चाय बनानी हो, मैं 4 से 5 कप चाय बना रही हूँ, तो मैंने इसमें सौंफ डाल दिए और चीनी डाल दी है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। लीजिए, गैस के ऊपर रख दिया है तो हम इनको ऐसे पलट देंगे। इस चाय में बहुत अच्छा सौंधापन आएगा और इनको अब हम इसको शक्कर को और सौंफ को उबालने देते हैं। और इसी टाइम में ये इलायची के दाने और छिलकी सबूत डाल दूंगी। अच्छे से उबल रही है तो इसमें हम डाल देंगे चाय पत्ती। कई लोग चाय पत्ती दूध के बाद डालते हैं या दूध के पहले, वो आपका तरीका है कि आपको कैस कब चाय पत्ती डालनी हो। और चाय पत्ती कोई स्पेशल नहीं है, नॉर्मल है, जो हम सभी के यहाँ होती है तो वही चाय पत्ती है। तो मैंने इसमें चाय पत्ती डाल दिया, इसको भी उबलने देते हैं। चाय पत्ती 2 से 3 मिनट हो गए उबलते उबलते, तो इसमें हम डाल देंगे दूध। दूध आप कितना पसंद करते हैं, कम ज़्यादा, वो आप अपने हिसाब से ले लें। मेरे यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही दूध की चाय पी जाती है तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक। ये मसाला कुल्हड़ चाय तैयार होगी, सौंधापन। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुल्हड़ वाली चाय सभी को बहुत पसंद होती है, तो आप अपने घर में ही बना के आसानी से पी सकते हैं। देखिए, चाय हमारी बनके रेडी हो गई है, बढ़िया सौंधी खुशबू आ रही है। अब इसके हमें दी निकाल देंगे। मैंने लिए हैं 1-2-3 कप। अब हम लेंगे ये चाय। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुल्हड़ चाय आप अपने घर पर ही पी सकते हैं और सरल तरीका से। हमें कहीं से कुल्हड़ भी नहीं लेना है। दी तो सबके ही घर में होते हैं। प्लीज़, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट ज़रूर करें मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, खुशबू वाली चाय, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है चाय में।